सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे इस नए ब्लॉग पर। आज है संडे और हमने डिसाइड किया है कि हम करेंगे डिनर बाहर। जगह अभी फिलहाल हमने डिसाइड नहीं की है, वो हम ऑन द वे कार में ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक बार फिर आपको लेके चलते हैं नोएडा के किसी नए रेस्टोरेंट या कैफे पर। खाना है साउथ इंडियन फूड और इसीलिए हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 104 जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दशा प्रकाश को। आप देख सकते हैं हमारे सामने है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इसी में है साउथ इंडियन फेमस रेस्टोरेंट दशा प्रकाश। चलिए करते हैं अब इसे एक्सप्लोर। दशा प्रकाश जाने के लिए बनाई गई है ग्राउंड फ्लोर पर एक सेपरेट एंट्रेंस जो काफी विजिबल है। एंट्रेंस काफी क्यूट लग रही थी और आप देख सकते हैं बाहर इन्होंने अच्छा खासा वेटिंग एरिया भी बना रखा है। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने रखे हैं सुंदर से गणपति जी। फ्रेंड्स, मैंने दिल्ली एनसीआर के काफी ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स विजिट किए हैं जैसे सरवना भवन, अतिथियम, उन्हीं की तरह दशा प्रकाश का भी इंटीरियर काफी सिंपल, सोबर और डिसेंट है। तो चलिए आप चलते हैं इसके अंदर और करते हैं इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर और फूड का रिव्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका इंटीरियर काफी सिंपल और डिसेंट है, बट एट द सेम टाइम रेस्टोरेंट काफी स्पेशियस है और इसके अंदर काफी सेपरेट सिटिंग डिविजन्स हैं। रेस्टोरेंट काफी हाइजीनिक है और यहाँ का स्टाफ भी कस्टमर फ्रेंडली है। दशा प्रकाश आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक कोजी लंच या डिनर एंजॉय करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फूड मेन्यू, जो कि एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है तो इसीलिए यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी का साउथ इंडियन फूड मिलता है। साथ ही यहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड भी सर्व किया जाता है। टेबल पर हमें सबसे पहले सर्व की गई ये तीन तरह की साउथ इंडियन चटनी जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेम्पटिंग थी। हमने हमारे ऑर्डर में मंगवाया था सबसे पहले साउथ इंडियन प्लेटर, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी चीजें हमें खाने को दी गई थी। उसके बाद हमने मंगवाया था एक प्लेन डोसा जो कि आया कुछ 2 फीट लंबा। ये प्लेन डोसा हमने घी में बनवाया था। तो चलिए अब करते हैं पेट पूजा। फ्रेंड्स, जो खाना था वो काफी टेस्टी था, काफी वैरायटी सर्व की गई थी साउथ इंडियन प्लेटर में। जो टेस्ट था ओवरऑल वो परफेक्ट साउथ इंडियन था और काफी ज्यादा रिच था क्वालिटी में। मुझे ये नोएडा में अब तक का मेरा बेस्ट साउथ इंडियन फूड लगा है और इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप भी दशा प्रकाश जरूर आए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि साउथ इंडियन प्लेटर में हमें क्या मिला था। ये मिला था एक रवा केसरी का बाउल, बहुत टेस्टी था। उपमा जो था वो परफेक्टली कुक्ड था, टेस्ट में भी बढ़िया था। उसके बाद हमें 2 मेंदू वड़े, 2 इडली मिली थी और ये एक छोटा सा मसाला डोसा मिला था जो काफी टेस्टी था। और सच में इस प्लेटर ने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। जो प्लेन डोसा हमने मंगवाया था वो स्पेशली हमने निश्चय के लिए मंगवाया था और उसे भी डोसा काफी अच्छा लगा। डोसा सॉफ्ट था और क्रिस्पी था। और इसके बाद हमने मंगवाया था दशा प्रकाश स्पेशल डोसा, ये आया था कुछ समोसे के शेप में। इसके साथ हमें मिले थे 2 बाउल। तो जो पहला बाउल था ना, इसके अंदर हमें कुछ पनीर का मसाला दिया गया था, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी एडेड थे, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जो दूसरा बाउल आया था ना, इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स और आलू का मसाला था। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर किया गपा गप फिनिश। और एक चीज तो हम भूल ही गए थे, जी हाँ, हमारे साउथ इंडियन प्लेटर के साथ ही एक फिल्टर कॉफी बिल्कुल फ्री। तो कुछ ऐसी थी दिखने में हमारी फिल्टर कॉफी और इसके साथ हमें शुगर प्रोवाइडेड थी। और इसके बाद आया हमारा बिल जो कि था कुछ 1000 रुपीज का, जो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगा। और लास्टली हमें सर्व किए गए मुखवास के कुछ पैकेट जिसमें थी सौंफ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा व्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो अब आप प्लीज कर दो लाइक बटन प्रेस, साथ ही आने वाले व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब बटन भी जरूर से दबा दो। और अब यहाँ से हम निकल दिए घर को, आगे की बात में करूंगी आपसे घर पहुँच कर। ये जगह आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना। फ्रेंड्स, यहाँ का साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये अब तक का नोएडा में बेस्ट साउथ इंडियन फूड लगा है। तो आप भी, अगर साउथ इंडियन फूड प्लस नॉर्थ इंडियन भी यहाँ पे अवेलेबल था, तो अगर आप भी साउथ इंडियन फूड कभी ट्राई करना चाहे तो दशा प्रकाश जरूर जाइएगा सेक्टर 104 में। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग तक आए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी जरूर कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।